काम के लिए जो कुछ कहा असरार भाई उसी को जीते, तो मैं चाहता हूं कि बहुत जोरदार तालियों के साथ असरार भाई का स्वागत किया जाए, इस्तकबाल किया जाए। असरार भाई को भरपूर सुना। असरार भाई के लिए गोविंद भूषण साहब ने शेर कहा था कि दिल है उसी के पास है सांसें उसी के पास, दिल है उसी के पास है सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया बरादर अजीज असलम राशिद। अदब की महफिल के अमानतदार हेमंत साहब, हमारे बरादर अजीज नूर चश्म अशरफ गौरी साहब, तमाम मुअज्जिज जिम्मेदारान इस तंजीम के जिन्होंने अपनी पलकें रोशन करके यहाँ रोशनी बिखेरी है, वो सब लोग मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। अमन अक्षर भाई ने जिस तरह से इस पूरे कार्यक्रम को, मुशायरे को, कवि सम्मेलन को एक ख़ास मकाम रूहानियत का जो अता किया है, यकीन कीजिएगा मेरा हर शायर कभी एक हमबर करता है कि उसे जाना है कि पढ़ना है, और मैंने नहीं सोचा था कि ये आहिस्ता आहिस्ता चहल कदमी करते करते ये प्रोग्राम को कहाँ ले जाके खड़ा करेंगे। मैं उस मकाम की नज़ाकत को समझते हुए और अपनी जिम्मेदारियों को महसूस करते हुए कुछ शेर समाप्त कर लीजिए आप लोग। इजाज़त, इजाज़त है दोस्तों। मतलब यूँ कहा था कि उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, क्या कहना है, उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते, क्या कहना है, क्या कहना है, उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, छोड़ के दरिया को सहरा की तरफ क्यों जाते, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, समाज कीजिएगा जिम्मेदारी आपकी अदा, उठ के दर से तेरे दुनिया की तरफ क्यों जाते, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, तो इश्क के फैसले मीरा की तरफ क्यों जाते, कृष्ण के प्रेम में राधा जो मुकम्मल होती, इश्क के फैसले मीरा की तरफ क्यों जाते। धीरे धीरे अपने आपके करीब आने की कोशिश कर रहा हूँ, हमारी छोटी बहनें बैठी हैं उनको भी इंशाल्लाह मायूस नहीं करूँगा। शेर समाप्त कीजिएगा कि ये अलग बात के दुनिया से, ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं, ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं, ये अलग बात के दुनिया से निकाले, ये अलग बात के जन्नत से निकाले हुए हैं, फिर भी उम्मीद उसी घर की ही पाले हुए हैं, और जिस्म की राख बिखरने को है बेचैन, मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं, बेचैन मगर मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं, मेरे बच्चे मेरी मिट्टी को संभाले हुए हैं। तुम कुछ भी कहो दिल पे असर नहीं, तुम कुछ भी कहो, राजी आपका कार हूं, तुम कुछ भी कहो दिल पे असर अब नहीं होगा, टूटी हुई कश्ती से सफर अब नहीं होगा, तुम कुछ भी कहो दिल पे असर अब नहीं होगा, टूटी हुई कश्ती से सफर अब नहीं होगा, और सरहद नहीं दिल टूटे हैं इस बार हमारे, दिल्ली से कराची का सफर अब नहीं होगा, दिल टूटे हैं इस बार हमारे, दिल्ली से कराची का सफर अब नहीं होगा, ले तेरे बराबर में ही हम दफन हुए हैं, क्या कहना, ले तेरे
हुए हैं, इस बार बिछड़ जाने का डर अब नहीं है। लेकिन बराबर में ही हम दफन हुए हैं, इस बार बिछड़ जाने का डर अब नहीं होगा। मोहब्बत के मुलाकातों की बरकत के लिए, ये हमारी छोटी बहनें बैठी हुई, वहां तक आ रहा हूं, फिर इंशाल्लाह आगे जाऊंगा। मुलाकातों की बरकत के लिए तोहफा जरूरी है। क्या कहना है? मुलाकातों की बरकत के लिए तोहफा जरूरी है। मोहब्बत में मियां अब दिल नहीं पैसा जरूरी है। मुलाकातों की बरकत के लिए तोहफा जरूरी है। क्या कहना है? क्या कहना है? मोहब्बत में मियां अब दिल नहीं पैसा जरूरी है। वो लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूर। लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, लिपट कर रो रहे हैं बेटियों से अपनी हालत पर, जो कहते थे विरासत के लिए बेटा जरूरी है। बहुत अच्छा है। कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया। क्या कहना? मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। क्या कहना? क्या कहना? कोई भी मिशले राहे सफर बनकर नहीं आया। मैं सारी रात चलता ही रहा पर घर नहीं आया। ओ मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। मेरी माँ आज भी खाना अंधेरे में पकाती है, मगर खाने में मेरे आज तक कंकर नहीं आया। न झील आंखें न तलवार की जरूरत है। क्या कहना है? न झील आंखें न तलवार की जरूरत है, गजल को अपने किरदार की जरूरत है। न झील आंखें न तलवार की जरूरत है, गजल को अपने किरदार की जरूरत है। बुढ़ापा अब मेरा बच्चों के साथ ही गुजरे, मैं छत हूं पर मुझे दीवार की जरूरत है। मैं छत हूं पर मुझे दीवार की जरूरत है। यहाँ हमारे कुछ हमारे स्कॉलर्स बैठे हुए हैं और ब्यूरोक्रेट लॉबी भी बैठी हुई है, यहाँ पर कुछ ऐसे मिनिस्टर भी बैठे हैं जिनके पास डिग्रियां तो अभी आ चुकी हैं लेकिन अभी जॉबलेस हैं। चार मिस्र याद आ रहे हैं, बहुत पहले कभी कहे थे, इजाजत चाहता हूँ। मतलब यूँ कहा था कि कोई जरा कुछ बोल के देखे बस हावी हो जाते। कोई जरा कुछ बोल के देखे बस हावी हो जाते हैं, सच पूछो तो इश्क में लड़के जज्बाती हो जाते हैं। कोई जरा कुछ बोल के देखे बस हावी हो जाते हैं, सच पूछो तो इश्क में लड़के जज्बाती हो जाते हैं। वो जाने कितने फूल से चेहरे दो रोटी की चाहत में, पीएचडी की डिग्री लेकर चपरासी हो जाते हैं। जाने कितने फूल से चेहरे दो रोटी, जाने कितने फूल से चेहरे दो रोटी की चाहत में, पीएचडी की डिग्री लेकर चपरासी हो जाते हैं। दोस्तों मेरा काम हो चुका है, निजामत की जिम्मेदारियां भी रही करी हैं, बस ये गजल के दो तीन शेर अपने मिजाज के समाप्त कर लीजिएगा कि अमन भाई बैठे मैं निकल गया। उनके दर्शन की तमन्ना में गिरफ्तार हैं हम। क्या कहते हैं? जो जिस भी किसी इस मतले को ले कबूल है। उनके दर्शन की तमन्ना में गिरफ्तार हैं हम, और दुनिया ये समझती है कि बीमार हैं। क्या कहना है? क्या कहना है? क्या कहना है? उनके दर्शन की तमन्ना में गिरफ्तार हैं हम, और दुनिया ये समझती है कि बीमार हैं हम।
अब संभालो हमें या खाक नशी करते चलो, अपनी तहजीब की टूटी हुई दीवार है। खाक नशी करते चलो, अब संभालो हमें या खाक नशी करते चलो, अपनी तहजीब की टूटी हुई दीवार है हम। और सर अपनी तहजीब की टूटी हुई दीवार है हम, और जान लुटाने के लिए अपनी जमी की खातिर कल भी तैयार थे और आज भी तैयार है। के लिए अपनी जमी की खातिर, जान उठाने के लिए अपने वतन की खातिर कल भी तैयार थे, कल भी तैयार थे और आज भी तैयार है हम। शकील भाई जान शेर समाज कर ले, दुआएं चाहता हूँ शेर पे। कल भी तैयार थे और आज भी तैयार है हम, उनके कदमों की कदम बोसी को निकले हुए हैं। क्या कहना, उनके कदमों की कदम कल भी तैयार थे और आज भी तैयार हैं हम, उनके कदमों की कदम बोसी को निकले हुए हैं। मौत आ जाए तो कह देना हरिद्वार है। मेरी मालूमात में इजाफा हुआ कि इंदौर में ना कैसे कैसे लोग सुनने आते हैं, कितने अच्छे अच्छे। एडिशनल एसपी प्रशांत चौबे सर यहाँ बैठे हुए हैं, टीआई कमलेश शर्मा सर बैठे हुए हैं। जहाँ पुलिस वाले सुनने आ रहे हो ना अदब को सुनने, वो शहर हमेशा आबाद रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों की जो मोहब्बत दस्तियाब होती है, जब भी आना हुआ करा है दामन छोटा पड़ जाता है। जहन इस तरह का बना दिया आप लोगों ने तो कुछ उसी तरह की शायरी भी याद आ रही है, सुना दे रहा हूँ मैं। वो मतलब यूँ कहा था कि बावजूद रह के तेरी याद में बेकल होना, क्या कहना, एक पवित्र एक बंधन होता है वजू इबादत के लिए। बावजूद रह के तेरी याद में बेकल होना इतना आसान नहीं, इश्क में पागल होना। क्या कहना है, क्या कहना है गिरिराज जी। बावजूद रह के तेरी याद में बेकल होना इतना आसान नहीं, इश्क में पागल होना इतना आसान नहीं, इश्क में पागल होना। वो जिसे चाहे उसे मिलती है कुर्बत उसकी। क्या कहना है, क्या इतना आसान नहीं, इश्क में पागल होना। वो जिसे चाहे उसे मिलती है कुर्बत उसकी, हर चटाई का मुकद्दर नहीं मखमल होना। क्या वो जिसे चाहे उसे मिलती है कुर्बत उसकी, वो जिसे चाहे उसे मिलती है कुर्बत उसकी, हर चटाई का मुकद्दर नहीं मखमल होना। जिंदगी बस तेरी चौखट पे फना हो जाए, काम आ जाए मेरा इश्क में पागल होना। क्या जिंदगी तेरी चौखट पे फना हो जाए, काम आ जाए मेरा इश्क में पागल होना। कुछ शेर याद आ रहे हैं, समाज कर लीजिएगा कि जैसा वो चाहे उसी हाल में रहना होगा। हमारे डॉक्टर साहब को जो एहसास मिल रहा था, तो ये यकीन मानिएगा कि वो एजाज एक तोहफा है अपनी जगह पर। जो कुर्बानियां, जो मेहनतें, जो जानिसारियां आपने पेश की हैं, इसका तो बदल नहीं है, इसका बदल तो वो देगा। बिल्कुल यकीन कीजिएगा, जैसा वो चाहे उसी हाल में रहना होगा, जैसा वो चाहे उसी हाल में रहना होगा। अब की बारिश में भी तिरपाल में रहना होगा, जैसा वो चाहे उसी हाल में रहना होगा। अब की बारिश में भी तिरपाल में रहना होगा। और जिंदगी बढ़ गई रिश्तों की निगहबानी में, हमको दिल्ली तुम्हें भोपाल में रहना होगा। जिंदगी बढ़ गई रिश्तों की निगहबानी में, हमको दिल्ली तुम्हें भोपाल में रह
कहना होगा। एक शेर पढ़ रहा हूँ दोस्तों के खैर मकदम की तमन्ना जो तेरे दिल में है, खैर मकदम की तमन्ना जो तेरे दिल में है तो जनवरी बन के हर एक साल में रहना होगा। खैर मकदम की तमन्ना जो तेरे दिल में है तो जनवरी बन के हर एक साल में रहना होगा। और दोस्तों ये गजल का आखिरी शेर जिस तरह से एक निजाम कायनात का बना हुआ है, हम लोग एक बारूद के ढेर पर पूरी इंसानियत बैठी हुई है लेकिन चंद लोग ऐसे आज भी हैं हर गोशे में जो मोहब्बतों का अलम सरबलंद कर रहे हैं, वो नाम यहाँ साफ तौर पर नजर आ रहे हैं मेरे लिए। ये शेर पढ़कर इजाजत चाहता हूँ मैं कि जिंदगी बढ़ गई रिश्तों की निगहबानी में, हमको दिल्ली तुम्हें भोपाल में रहना होगा। और रोशनी के है हम ही आखिरी बस चश्मो चराग, यानी जिंदा हमें हर हाल में।